दोस्तों एलिजाबेथन एज के दौरान लिटरेचर की फील्ड में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली चीज़ रही है वो है एलिजाबेथन ड्रामास। अब दोस्तों आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि जब ड्रामास ने एलिजाबेथन एज में इतनी ज़्यादा ग्रोथ करी तो हम यहाँ पर एलिजाबेथन पोइट्री को क्यों पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि एलिजाबेथन एज से पहले जो भी हमारी एज चल रही थी, जो भी एजेस थी दोस्तों, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पोइट्री का यूज़ होता था। जैसे कोई भी बात होती थी सिंपल लैंग्वेज में भी अगर बोलनी होती थी तो लोग पोइट्री का ज़्यादातर इस्तेमाल करके ही बोलते थे। अब दोस्तों एलिजाबेथन एज आते आते पोइट्री की तो वैल्यू कम होने लगी और ड्रामास की जो भी वैल्यूज़ थी वो थोड़ी सी हाई होने लगी। ठीक है, ड्रामास जो भी थे हमारे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगे, लोग ज़्यादा उनको पढ़ने लगे, लोग ज़्यादा उनको पसंद करने लगे ड्यू टू द शेक्सपियर। शेक्सपियर की वजह से जो भी ड्रामास थे वो हमारे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगे और पोइट्री की धीरे धीरे जो भी वैल्यू थी वो कम होने लगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो भी पोइट्रीज़ लिखी जाती थी एलिजाबेथन एज के दौरान, जो भी पोइट्रीज़ लिखी जाती थी लेकिन वो ड्रामास की अपेक्षा कम लिखी जाती थी। तो जो भी पोइट्रीज़ थी दोस्तों, जो भी एलिजाबेथन एजेस में पोइट्रीज़ लिखी गई हैं वो किसी भी अन्य एजेस की तुलना में उनका मतलब आउटस्टैंडिंग रही हैं। उनकी जो भी पोइट्रीज़ हैं, जिस भी राइटर ने इनको लिखा पोइट्रीज़ को, वो कहीं ना कहीं से अन्य एजेस की अगर उनसे तुलना करी जाए तो दूसरी एजेस में जो भी पोइट्रीज़ लिखी गई हैं उससे कहीं ना कहीं दोस्तों इनकी किसी से तुलना करी नहीं जा सकती। तो एलिजाबेथन पोइट्रीज़ की बात ही अलग होती है। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों जो भी पोइट्रीज़ इस एजेस में लिखी गई वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और सबको आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले ही थोड़ी लिखी गई हो, ड्रामास की अपेक्षा जो भी पोइट्रीज़ थी वो कम लिखी गई थी, ये तो एकदम करेक्ट बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो भी पोइट्रीज़ थी दोस्तों, जो भी राइटर्स थे इस एजेस में पोइट्री का, उन्होंने लोगों ने बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग वे प्रेजेंट किया पोइट्रीज़ का। ठीक है, तो अगर एलिजाबेथन एज के बारे में कभी भी कोई कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर दोस्तों पोइट्रीज़ के बारे में भी जानना हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो भी हमारे मेजर पोइट्स हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हम मेजर पोइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन यहाँ पर हमारे सब मेजर पोइट्स हैं एलिजाबेथन एरा के। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हैं उनका नाम आता है थॉमस सेक्वेल, थॉमस नॉर्टन, एडमंड स्पेंसर, थॉमस वाइट, सर फिलिप सिडनी, सैमुअल डैनियल एंड माइकल ड्रायटन। ठीक है, ये कुछ एक हमारे दोस्तों पोइट्स हैं जो कि एलिजाबेथन एज के दौरान इनके नाम फेमस रहे हैं और इन सभी में से दोस्तों ये काफ़ी एक पोइट्स थे, लेकिन ये कुछ एक ऐसे पोइट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एलिजाबेथन एज की पोइट्रीज़ के फील्ड में, तो इन सभी पोइट्स के नाम तो आपको ध्यान ही रखना है, लेकिन दोस्तों इन सभी में से भी आपको ये एक एडमंड स्पेंसर का नाम, थॉमस वाइट और सर फिलिप सिडनी, ये जो तीनों नाम हैं दोस्तों, ठीक है, ये तीनों कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनके जो भी वर्क्स रहे हैं, इनके जो भी नाम हैं, तो ये एलिजाबेथन पोइट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि आज की वीडियो का हमारा टाइटल है द मोस्ट आस्क्ड MCQs ऑफ एलिजाबेथन पोइट्रीज़। तो इससे पहले भी हम लोगों ने एलिजाबेथन एज के बारे में सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की और फैक्ट पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, जिसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अभी देखते हैं दोस्तों और क्या कौन कौन से फैक्ट्स हैं दोस्तों एलिजाबेथन पोइट्री के बारे में जानने के लिए। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर वाला था वो तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि जो भी सब मेजर पोइट्स एलिजाबेथन एरा के जो भी थे वो तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर नाम लिख करके आपको बता दिया है। और दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं उसमें नाम आता है एडमंड स्पेंसर का, थॉमस वाइट का और सर फिलिप सिडनी। ठीक है, इन तीन नाम को आपको तो ज़रूर से ध्यान रखना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक्चुअल में ये दोस्तों क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन वे में पूछा जाएगा, लेकिन इसको सीधे डायरेक्ट मैंने आंसर के फॉर्म में आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया है। जो भी दोस्तों सोनेट्स लिखी जाती थी, सोनेट्स का मतलब आप समझते हैं ये एक तरीके की फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है सोनेट्स, और 14 लाइंस की पोयम होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोनेट्स लिखा हुआ है कि सोनेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, इंग्लैंड में जो फर्स्ट सोनेट दोस्तों आई थी और जो फर्स्ट सोनेट लिखी थी वो थे सर थॉमस वाइट, और यहाँ पर सदी नाम के दोस्तों दो पोइट्स थे एलिजाबेथन एज के। इन लोगों ने दोस्तों इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया था इटली से जाकर के। दोस्तों ये
वहाँ से सोनेट्स के बारे में कुछ एक नॉलेज को जान करके आए। और दोस्तों इंग्लैंड में आकर के इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर आकर के इन लोगों ने दोस्तों सोनेट्स लिखना स्टार्ट करी थी, इंग्लिश सोनेट्स, ठीक है, इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के हाफ में बोल लो, ठीक है। लेटर ऑन दोस्तों जो शेक्सपियर थे इन्होंने दोस्तों करीब 154 सोनेट्स लिख दी थी, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो एज है ये भी पोएट्री के फील्ड में भले ही कम लिखी गई हो, पोएट्री जो भी थी ड्रामास की अपेक्षा कम लिखी गई हो, लेकिन पोएट्री के फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल एक तरीके का बोले तो प्लेस होता है। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है कि सोनेट के बारे में बताया गया है कि अ सोनेट हैज़ अ 14 लाइंस पोयम। ये जो सोनेट दोस्तों होती है वो 14 लाइंस की पोयम होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और आई होप कि अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स होंगे तो ये चीज़ आपको पता ही होगी पहले से। और जो भी सोनेट्स होती हैं दोस्तों, सोनेट्स आर द फॉर्म ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री, ये एक तरीके की एलिजाबेथन पोएट्रीज ही होती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए जो भी इटालियन सोनेट्स होती हैं, इटालियन सोनेट्स का मतलब जितनी भी इटालियन सोनेट्स होती है दोस्तों वो उनको हम लोग पेट्रार्क सोनेट्स के नाम से, पेट्रार्कन सोनेट्स के नाम से जानते हैं या फिर क्लासिकल सोनेट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोस्तों फ्रांसिस्को पेट्रार्क एक ऐसे दोस्तों बोले तो पोएट थे बिफोर द एलिजाबेथन एज, जिन्होंने दोस्तों ह्यूमनिज्म की खोज करी थी दोस्तों, इनको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी बोलते हैं। और दोस्तों ये इन्होंने दोस्तों जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क थे इन्होंने सोनेट्स का इनको इन्होंने सोनेट्स का भी इन्होंने लिखी थी, ठीक है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में तो नहीं रहती थी लेकिन इटालियन लैंग्वेज में ये सोनेट्स को लिखते थे, ओके। और इनको हम लोग क्लासिकल सोनेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अभी देखते हैं फोर्थ नंबर पहला जो है हमारा वो ये लिखा हुआ है कि एलिजाबेथन सोनेट्स इज नोन एज द शेक्सपियरन सोनेट्स। अब जो भी सोनेट्स एलिजाबेथन एजेस में लिखी गई, अब क्योंकि वहाँ के जो भी सबसे बड़े ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे शेक्सपियर, तो दोस्तों उसको शेक्सपियरन सोनेट्स के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं या फिर इनको इंग्लिश सोनेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जो सोनेट्स इटालियन में लिखी जाती थी, इटली में दोस्तों लिखी जाती थी, उसको हम लोग पेट्रार्कन सोनेट्स के नाम से या फिर क्लासिकल सोनेट्स के नाम से जानते थे। जो एलिजाबेथन एजेस में शेक्सपियर के द्वारा जो भी सोनेट्स लिखी गई 154, उनको दोस्तों हम लोग शेक्सपियरन सोनेट्स के नाम से या फिर इंग्लिश सोनेट्स के नाम से जानते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो फिफ्थ नेम आता है वो है जॉन मिल्टन का। जो जॉन मिल्टन है दोस्तों वो लास्ट एलिजाबेथन सोनेट्रियल थे, उन्होंने दोस्तों लास्ट में आकर के एक तरीके से बोले तो खूब कई एक सोनेट्स इन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने दोस्तों कभी भी सदी के या शेक्सपियर के रूल्स को सोनेट्स लिखने के दौरान कोई भी इस तरीके के रूल्स को फॉलो नहीं किया, उन्होंने खुद अपना एक रूल बनाया। और दोस्तों इनके जो भी सोनेट्स थे इनके सोनेट्स को एक अलग नाम से जानते हैं हम लोग, मिल्टोनिक सोनेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जो तीनों टाइप्स ऑफ सोनेट्स हैं ये आपको करेक्ट वे में समझ में आ रही होंगी। जो सोनेट्स दोस्तों होती है एक तरीके की फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है, जो इटालियन सोनेट्स होती है उसको हम लोग पेट्रार्कन सोनेट्स के नाम से जानते हैं, जो एलिजाबेथन एजेस में शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखी उनको शेक्सपियरन सोनेट्स या फिर इंग्लिश सोनेट्स के नाम से जानते हैं, और जो मिल्टन ने अपने वे में अपने तरीके से जो भी सोनेट्स लिखे उनको हम लोग मिल्टोनिक सोनेट्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिक्स नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है द सोनेट्स वॉज इंट्रोड्यूसेस टू इंग्लैंड वाई। जो सोनेट्स थी दोस्तों किसके द्वारा इंग्लैंड में लाई गई थी, तो ये दो नाम यहाँ पर आते हैं जो कि सबसे पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि सर थॉमस वाइट एंड अर्ल ऑफ सरी, मतलब जो सरी हैं और थॉमस वाइट हैं, ये दो नाम ऐसे हैं जिन लोगों ने सबसे पहले इंग्लैंड में दोस्तों इटली से कुछ एक नॉलेज लेकर के आए थे सोनेट्स के बारे में, और इंग्लैंड में आकर के इन लोगों ने ही सबसे पहले इंग्लिश सोनेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है आकर के। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं यहाँ पर सिक्स नंबर तक की। अभी चलते हैं कुछ और भी मोर पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पर हमारे आप देख सकते हैं जो सेवन नंबर है वो है द फादर ऑफ द सोनेट्स। जो फादर ऑफ सोनेट्स मानते हैं वो किसको मानते हैं दोस्तों, वो हैं हमारे पेट्रार्क, क्योंकि इटालियन में ही सही इन्होंने ही सोनेट्स को लिखना स्टार्ट किया था। तो फादर ऑफ सोनेट्स, ठीक है, पेट्रार्क को ही माना जाता है, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म पेट्रार्क को ही मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर जो एज नंबर क्वेश्चन है ये क्या है दोस्तों, ये भी सोनेट्स के ऊपर ही रिलेटेड है। तो आप एक अलग से मैंने सोनेट्स का भी वीडियो बना करके रखा है, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। द सोनेट्स इज नोन टू हैव ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेटेड कहाँ हुई थी, अब ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इसका ओरिजिनेटेड कहाँ हुई थी, इटली में हुई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इटली। अब यहाँ पर देखिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कुछ एक पार्ट्स हैं जो कि जैसे ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट
पोइट्स के और उनके वर्क्स लिखे हैं, बताए हैं, जो कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया था कि सर फिलिप सिडनी का आपको नाम ध्यान रखना है, जो कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो एलिजाबेथ के दोस्तों, एलिजाबेथ ने उनको अपना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ हर क्राउन, ज्वेल ऑफ हर क्राउन, इस तरीके से बोला था कि उन्होंने दोस्तों, एलिजाबेथ ने खुद भी सर फिलिप सिडनी को एक ऐसी उपाधि प्रदान करी थी जिससे कि वो बोल सकती थी कि मेरा मुकुट का जो भी है एक इम्पॉर्टेंट ज्वेल है, ठीक है। तो ये भी इनको उपाधि प्रदान करी गई थी। और सर फिलिप सिडनीज कलेक्शन, इनकी दोस्तों एक तरीके की कलेक्शन थी जिसको हम लोग सोनेट्स की कलेक्शन थी, जिसको एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो भी है एक तरीके की सर फिलिप सिडनी की कलेक्शन ऑफ सोनेट्स है, जिसके अंदर दोस्तों 108 सोनेट्स लिखी गई हैं और 11 सॉन्ग्स का ये क्या है, मिश्रण है या फिर भंडार है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। 108 सोनेट्स और 11 सॉन्ग्स का ये एक तरीके का कलेक्शन है, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला बाय सर फिलिप सिडनी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप देखिए यहाँ पर इसी का बी पार्ट है दोस्तों, ये किसने लिखा है, सिंस देयर इज नो हेल्प, इस पोयम को किसने लिखा है, तो ड्रेटन, ठीक है। ये आपको नाम ध्यान रखना है, जो कि एलिजाबेथन एरा के काफ़ी ज़्यादा फेमस पोइट रहे हैं। अब यहाँ पर जो सी नंबर क्वेश्चन है वो है, हु रोट द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसको इस पोयम को आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस को, जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है। और पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड किसने लिखा है, ये भी जॉन मिल्टन ने लिखा है दोस्तों। अब यहाँ पर जो ई नंबर है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ई नंबर में दोस्तों एडमंड स्पेंसर है, मैंने पहले भी बताया कि एडमंड स्पेंसर काफ़ी ज़्यादा एलिजाबेथन एजेस में इनका अलग ही नाम, अलग ही तरीके से इनको माना जाता है। तो ये हैं दोस्तों, इज़ द ग्रेटेस्ट नेम इन नॉन ड्रामेटिक एलिजाबेथन पोएट्री। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, फेरी क्वीन के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और सैफर्ड्स कैलेंडर और फोर हैम्स नाम के इनके तीन दोस्तों ये कलेक्शन हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। एलिजाबेथन पोएट्री के इन्होंने तीन यहाँ पर दोस्तों पोएम्स लिखी हुई हैं, जो कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरी क्वीन को किसने लिखा है, या फिर एडमंड स्पेंसर के नीचे लिखे कौन से पोइट्रीज़ हैं, तो आपको उसका चूज़ करके लिखना है। तो शेफर्ड्स कैलेंडर और फोर हैम्स, ये तीन आपको इनके नाम ध्यान रखना है। इसको आप अलग तरीके से नोट भी कर सकते हैं और किसी अपनी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ पर एफ नंबर क्वेश्चन है, हु रोट शैल आई कंपेयर थी टू द समर, थी टू अ समर्स डेज, आई होप कि ये इसके बारे में आपको पता होगा कि ये जो दोस्तों ये पोयम है, ये वर्ड की दोस्तों सबसे ज़्यादा पसंद करी जाने वाली पोयम है, ठीक है, और बहुत ही फेमस पोयम है जिसको शेक्सपियर ने लिखा है, और ये सोनेट नंबर 18 है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई, सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी समझ में आए होंगे। अभी यहाँ पर जो लास्ट हमारा 10th नंबर वाला क्वेश्चन है, ये एक तरीके का दोस्तों टोटल्स मिसलैनी, ठीक है, ये टोटल्स मिसलैनी एक तरीके की कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है, जिसको थॉमस वाइट ने, सरी ने, यहाँ पर तीन नाम है दोस्तों, सर थॉमस वाइट, ठीक है, और सरी, और एक दोस्तों हेनरी ऑवर्ड करके नाम हैं, तो वो आपको यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो कोई नहीं, आपको ये दो नाम याद रखने हैं, सर थॉमस वाइट एंड सर अर्ल ऑफ सरी, ये ठीक है, दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो टोटल्स मिसलैनी दोस्तों एक तरीके की कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है, इन लोगों ने ही सबसे पहले इसको इंग्लैंड में आकर के इंट्रोड्यूस करवाया, और जो भी इनकी पोएम्स वगैरह होती थी दोस्तों, इन लोगों, ये लोग जो भी तरीके से लिखते थे वो इसी कलेक्शन के अंदर जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, कंटेनिंग द वर्ड्स ऑफ सर थॉमस वाइट एंड द अर्ल ऑफ सरी मार्क्स द फर्स्ट इंग्लिश पोएट्री ऑफ द एलिजाबेथन एज, ये इन लोगों ने ही एलिजाबेथन एज के अंदर फर्स्ट इंग्लिश पोएट्री यानी सोनेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, अपनी एजेस के। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, जितने भी पॉइंट्स हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर एलिजाबेथन एज से आपसे कुछ भी रिलेटेड पूछा जाता है तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो कि पूछे ही जाएंगे, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी आप उठा करके देख लीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करेंगे एलिजाबेथन ड्रामास के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, शेक्सपियर के बारे में हम लोग जानेंगे, शेक्सपियर जो कि काफ़ी ज़्यादा एलिजाबेथन एज के ग्रेट ड्रामेटिस्ट रहे हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं।